हेलो फ्रेंड्स, अल्प्रा मौसमी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की रेसिपी है ब्रेड पुडिंग। यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना भी आसान है। तो फिर चलिए ब्रेड पुडिंग की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 4 ब्रेड, और ब्रेड को हमें इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेने हैं, या आप अपने शेप और साइज अनुसार काट सकते हैं, आपको जो भी शेप और साइज पसंद हो। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसे मैंने इस तरह से काट लिया है। तो मैंने यहाँ पे चारों ब्रेड को काट लिया है और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो चलिए इसे डाल देते हैं बाउल में। और मैंने यहाँ पे लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसे मैंने स्लाइस कर लिए हैं। तो ये लिया है मैंने काजू, बादाम और किशमिश। दूध लिया है मैंने आधे लीटर के करीब, और यह गुनगुना दूध है। हमें गुनगुना दूध में ही 2 टेबलस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर मिलाने हैं, इससे लम्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। डाल देते हैं 1/4 कप के करीब चीनी, या चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और इसे मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाने हैं जब तक यह थिक ना हो जाए। तो धीरे धीरे थिक होने लगा है, तो इसे हम 5 मिनट और कुक करेंगे। तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो यह परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। तो चलिए इसे हम गैस से उतार लेते हैं। और इसमें मैंने मिक्स कर लिया है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप ना डालें। मैंने डाल दिया है क्यूब्स में कटे हुए ब्रेड, और ब्रेड को हमें इस तरह से डिप करने हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ब्रेड दूध में मिक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसे बेक करने के लिए लिया है केक टीन, और इसे मैंने ग्रीस कर लिया है घी से। तो चलिए मिक्सचर को डाल देते हैं केक टीन में, और इसे हम गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स से। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के और भी कुछ ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इसे हम अच्छी तरह गार्निश करने हैं, इसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और जब आप इसे खाएंगे तो ड्राई फ्रूट्स आपके जो मुंह में आएंगे बहुत ही स्वाद से भरा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम बेक कर लेते हैं। तो इसे हमें बेक करने हैं कढ़ाई में, आप इसे अवन में भी बेक कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं नमक 1 कप के करीब। तो ये नमक को मैंने पहले भी यूज किया है, इस वजह से इसका कलर कुछ इस टाइप का आ गया है। और इसे हम अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर डाल देते हैं वायर स्टैंड, यह बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। और इसे हमें लगभग 10 मिनट के लिए गर्म करने हैं, प्रीहीट करने हैं। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसमें हम डालेंगे टीन को। तो आप इस प्रोसेस को काफ़ी सावधानी से करें क्योंकि बहुत ही गर्म है ये। अब इसे हमें बेक करना है लगभग आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे। अगर आप इसे ओवन में बेक कर रहे हो तो आप इसे 180 डिग्री पे बेक करें आधे घंटे के लिए। आधा घंटा सफिशियंट टाइम है इसे बेक होने के लिए। तो आप फ्लेम को मीडियम कर दें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड धीरे धीरे अब बेक होने लगा है और कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ गया है। इसे हम 10 मिनट और बेक करेंगे ताकि यह और थिक हो जाए। तो 10 मिनट बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे हमें ठंडा करना है, तो इसे हम बाहर ही ठंडा करेंगे। और अगर आप इसे बहुत ही ठंडा मतलब चिल सर्व करना चाहते हो तो आप इसे फ्रिज में डाल दें 3 से 4 घंटे के लिए। तो बहुत ही बढ़िया यमी ब्रेड पुडिंग बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के साथ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।